नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। नीमच, बाल विवाह का चलन कानून के बावजूद आज भी है, ऐसे कई मामले रोजाना पढ़ने देखने को मिलते हैं। नीमच में भी ऐसा एक मामला बुधवार को सामने आया, जिसकी सूचना पर प्रशासनिक अमला में पुलिस बल नीमच सिटी स्थित महेश्वरी मोहल्ले पहुंची, जहां बुधवार को नाबालिग की शादी के कार्यक्रम जारी थे। मौके पर अधिकारियों ने बालिका के दस्तावेजों की जांच की, जिसमें वह नाबालिग पाई गई। नायब तहसीलदार पिंकी साठे ने कार्रवाई करते हुए विवाह कार्यक्रम को रुकवा दिया। वहीं सब मेहमानों को भी रवाना कर दिया गया। नायब तहसीलदार पिंकी साठे ने मीडिया को बताया कि नाबालिग लड़की के विवाह की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर मौके पर आकर जांच की गई, जिसमें लड़की नाबालिग पाई गई है। उन्होंने बताया कि बालिका की शादी के आयोजन चल रहे थे, लेकिन शादी नहीं हुई थी। आज माताजी पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा था, इसको रुकवाया गया है। साथ ही यहां लगा टेंट भी खुलवा दिया गया है। इसके साथ ही लड़की के माता पिता और परिजनों को समझाइश दी गई है कि लड़की के बालिग होने में कुछ ही महीने बाकी हैं। परिजनों को बताया गया है कि जब लड़की बालिग हो जाए तब उसकी शादी कराई जाए। इसके बाद नाबालिग के परिजनों ने भी सहमति जताई और लड़की के बालिग होने के बाद ही शादी करने की बात कही है। मैडम, यहाँ पर बालिग हो रहा था, किस तरह की कार्रवाई की गई? एक नाबालिग बच्ची की विवाह होने की सूचना प्राप्त हुई थी। विवाह भी हुआ है, माता पूजन वगैरह की थी। शिकायत थी, शिकायत के ऊपर जांच की गई, रिकॉर्ड्स देखे गए। उसकी बातचीत के अनुसार अभी वो पूरे 18 साल की हुई नहीं है, कुछ महीने कम है अभी। तो उसके एक माता पिता को और बच्ची को सबको समझाइश दी गई परिवार को कि कुछ समय बाद जब 18 साल की पूरी हो जाए तब विवाह करें। शादी के लिए जो टेंट वगैरह लगाए गए थे वो हटवाए गए, कार्यक्रम रुकवाया गया है। मेहमानों को भी रवाना किया। माता पिता समझ गए हैं, उन्हें समझाई सहमति दी है कि ठीक है, बच्ची वाली होगी तभी शादी। उस संबंध में पंचनामा भी तैयार किया गया है। ठीक।